एवरीवन, वेलकम टू सैपन ट्यूटोरियल, दिस इज़ आदित्य केशरवानी। आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना ताकि एक भी इंपॉर्टेंट बातों को आप भूल मत पाओ, ठीक है? भूलना नहीं है। सबसे पहले बात देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि आप IIT जा रहे हो। अगर आप IIT में काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कुछ ऐसी बातें होती जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वो भी पहले पता होनी चाहिए काउंसलिंग के पहले। तो मैं आज इंपॉर्टेंट जो एक एक पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप IIT की एग्जाम की काउंसलिंग में IIT के बेसिकली अगर पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहले आपका जो भी फीस लगता है बेसिकली IIT में आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ता है। किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। आपको 600 रुपीज़ काउंसलिंग के लिए पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, जब आपका क्या होता है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है? जैसे ही अगर आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो सपोज़ आपको फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, कोई भी IIT मिल गई, ठीक है? कोई भी IIT, एनी IIT जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर रखा है। और एक और बात है, IIT में जब आपको IIT के काउंसलिंग करनी है तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सही रखना है। ये प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, आपको इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर के बना दूंगा कि उसमें आपको बता दूंगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, कौन कौन सी वहाँ पर गलतियाँ हो जाती है, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो कर दूंगा, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई भी IIT मिल जाती है तो क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी IIT मिल गई, तो अगर आप चाहते हो कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना, या आपको फर्स्ट राउंड में आपको मान लो बहुत अच्छी रैंक है, आप सपोज़ आपकी रैंक 10 है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले तो आप IIT बॉम्बे या दिल्ली जो भी आप रखोगे, अगर वो मिल गई तो आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनकी रैंक अच्छी नहीं है तो वो क्या करेंगे, सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो बच्चे IIT में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, सपोज़ ये है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट राउंड रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अगर आपको सेकेंड राउंड में जाना है, अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो इसके लिए फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है। ये सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होती है कि इसका ये मतलब होता है कि फर्स्ट राउंड में आपको जो मिला है वो आपको आपकी जो सीट है IIT की, जैसे सपोज आपको IIT गुवाहाटी मिल गई फर्स्ट राउंड में, तो वो सीट आपके लिए क्या हो जाएगी, बुक हो जाएगी। अगर आपको सेकेंड राउंड में कुछ नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड में जो आपने आपको मिला है तो उसमें क्या होता है कि आपकी सीट, वो वाली सीट आपके 100% फिक्स हो जाएगी। तो उस सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ, 10,000 रुपीज़ आपको फीस एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इतना फीस, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 10,000 रुपीज़ नहीं थे तो उनकी IIT की सीट छूट गई थी। क्योंकि देखो, जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा 2 से 3 दिन आपको टाइम देगा कि आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सीट एक्सपेक्टेंस फीस देनी पड़ेगी। और सीट जो ये देनी पड़ेगी सीट एक्सेप्टेंस की, वो कितनी है, 10,000। तो आप पहले से प्रिपेयर रहना कि सीट एक्सेप्टेंस के लिए ही सिर्फ आपको 10,000 देना पड़ेगा, ठीक? तो फर्स्ट राउंड का जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सेकेंड राउंड में क्या है कि आपका मान लो सपोज आपको मिल गया जोधपुर, सपोज कर रहा हूँ आपको सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया, सेकेंड राउंड में रिजल्ट आ गया, ठीक है? सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया, सेकेंड राउंड में आपको क्या मिल चुका है, मान लो सपोज आपने जोधपुर आपको मिल गया, आपने जोधपुर प्रेफरेंस ऑर्डर पहले रखा तो आपको जोधपुर मिल गया, तो क्या यहाँ दोबारा सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी? तो ये बिल्कुल नहीं है। आपने एक बार सीट एक्सेप्टेंस फीस लगेगी तो वो अगले राउंड के लिए शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है ये 10,000 अब जोधपुर को चली जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि आप राउंड 3 के लिए गए, अब आपने क्या किया कि आपको सेकेंड राउंड में भी आपको मान लो अच्छी IIT नहीं मिली, आप उससे भी ऊपर की चाहते थे, तो आप थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करोगे। थर्ड राउंड के लिए जब पार्टिसिपेट करोगे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देनी पड़ेगी, जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट पेमेंट की थी 10,000 की वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि थर्ड राउंड का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद आपको ये चूज करना पड़ेगा कि जो आपको IIT मिली है वो लेनी है कि नहीं लेनी। सपोज आपको लेनी है, सपोज अगर आपको लेनी है वो IIT, जो भी IIT आपको मिल रही है,
तो उसमें एक प्रोसीजर होता है कि आपको लगभग मेरे हिसाब से 10 to 15 days देता है। 10 to 15 days में क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, जो भी IIT है उसका क्या करना पड़ता है, जितनी भी फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की आपको क्या करनी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है। आपको अगर आइडिया नहीं कि IITs की फीस कितनी है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लो कि IITs में फीस कितनी है MSc के लिए। तो ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि पहले से ही अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप पहले से प्रिपेयर रहो कि मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर इस कोई IIT की फीस मान लो 40,000 है, तो आप पहले से फीस आप पैसे का अपने पास जुगाड़ कर रहे रहना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि अगर आप फीस नहीं सबमिट कर पाओगे तो आपकी क्या होती है, अगर फीस सबमिट नहीं कर पाए आप, तो आपकी जो सीट होती है वो कैंसिल हो जाती है, सीट जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो आपको पर्सनली, मेरे को ये पॉइंट बहुत ही सही लगता है। अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो प्लीज़ इस बातों को, इसीलिए मैंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट बातें सब आपको नहीं बताते हैं, आपको इनफैक्ट इसके लिए कोई नोटिस भी नहीं निकलती है, तो आपको ये बातें को ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद एक और बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि फर्स्ट राउंड में जैसे मेरे को मिल गया, फर्स्ट राउंड में जैसे मुझे मिला, तो अब मुझे फर्स्ट राउंड में बेस्ट मेरा जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, तो उसके बाद क्या मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी पड़ेगी? हाँ, तो फीस एक्सेप्टेंस फीस वहाँ भी जमा करनी पड़ेगी, 10,000 फर्स्ट, एक बार आपको 10,000 देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर फर्स्ट राउंड में आपको अच्छा जो भी आपको चाहिए वो मिल गया, सेकंड के लिए आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करना, तो फर्स्ट राउंड में आपको जो मिला है तो उसके लिए आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, उस IITs की सेमेस्टर की फीस सबमिट करनी पड़ेगी। और ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस थी, ये जो 10,000 आपने दी है, ये आपको वेस्ट नहीं जाएगा। जो भी आपको IIT मिल रही है तो उस IIT में क्या होगा, वो फीस में ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, फीस में ऐड हो जाता है, फीस में ऐड हो जाता है। अब सपोज एक क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज तीनों राउंड की काउंसलिंग बीत गई, बट क्या हुआ कि मुझे एक भी राउंड में काउंसलिंग में नहीं मिला, तो क्या मुझे फीस एक्सेप्ट सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। देखो आपने क्या किया, जर्म काउंसलिंग में ₹600 का आपने फॉर्म भरा, तो उसमें अगर आपको फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला तो सेकंड राउंड में भी कुछ नहीं मिला, थर्ड में भी कुछ नहीं मिला, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पे क्यों ही देनी पड़ेगी? जब तक आपको कोई एक IIT नहीं मिल जाती तब तक आपको कोई सीट एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स को अगर थर्ड राउंड में भी नहीं मिलती है, लोअर IITs की बात करूँ और कुछ अच्छी ऊपर की भी IITs हैं, वहाँ पे क्या होता है, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ ऑलरेडी, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके बारे में देख लेना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग के टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, जितना प्रोसीजर होता है सब में हेल्प करता रहूँगा। बस एक चीज़ ये कहूँगा कि आप घबराना नहीं, जल्दी जल्दी बाजी मत कर देना, क्योंकि काउंसलिंग में अगर गलती हो गई तो आपका सीट कैंसिल होने का 100% चांस होता है, और आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी IITs का कुछ भी नहीं कर सकते। तो काउंसलिंग टाइम आपको बहुत ही ध्यान से हर इंफॉर्मेशन को सही से फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, जो भी सपोज अगर आपका SC ST कैटेगरी हो या OBC कैटेगरी, तो आपको 2021 का डॉक्यूमेंट, 2021 का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवा के रखना है, ताकि जैसे आपको काउंसलिंग आए तो वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है, तो ज़्यादा डेट टाइम नहीं मिलता सबमिट करने के लिए, तो पहले से ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो है वो आपको रेडी रखने हैं। ठीक है, किसी को और कोई भी डाउट होगा तो वो मुझे पूछ सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, साथ ही साथ मैं आपके यूट्यूब में कमेंट्स में भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ, उसका कोई टेंशन नहीं। बस एक बात ये है कि प्लीज़ एक चीज़ ये करना कि थोड़ा सा आप वीडियो पूरा देख लिया करो, उससे ये होता है कि आप वीडियो नहीं देखते हो फिर मुझे कॉल करके या मैसेज करके क्वेश्चन पूछते, जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो मैं ये कहता हूँ आप वीडियो देख लो, क्यों मुझे, क्योंकि एक्चुअली मेरा भी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, बट मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो देख लो, वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ऑलरेडी। सो गाइज इतना सफिशियंट होगा। प्लीज़ अगर जो स्टूडेंट न्यू है तो मैं उनके लिए कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पॉजिटिव रहो। आपको अच्छी IIT या NIT जो भी हो, नहीं भी मिल रही है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी टाइम है, वो भी बहुत बेस्ट होती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।